अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपके सामने वर्चुअल बॉक्स अपना खोल के उसके अंदर से अपना जो है ना यूबंटू स्टार्ट कर लिया है सर इंजन। अब इसके अंदर जो है ना हम देखेंगे कि कैसे इसके अंदर काम करना है। अभी फ़िलहाल ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग है। अब जैसा कि आपके सामने यूबंटू स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना एंटर करूँगा, ठीक है, और पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है ना लॉगिन हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूबंटू जो है ना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना जो नाम से फोल्डर मेरा नाम का पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट ऐप्स पड़ी हुई हैं एक बार के ऊपर, तो यहाँ से आप नीचे शो ना हमारे पास शो एप्लीकेशन बटन जो है ना, यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स जो है ना आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप ऐप जैसा कि मेरे पास टर्मिनल जो है ना वैसे तो बार के ऊपर भी पड़ा, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर जब सर्च करूँगा टर्मिनल तो मेरे पास जो है ना टर्मिनल शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप टर्मिनल शो हो गया। अब मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। बेसिकली ये जो है ना एक हमारे पास दोनों मोड में काम करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी और कमांड लाइन में भी। तो हम यहाँ पर फिलहाल टर्मिनल को यूज़ करेंगे कमांड लाइन के लिए, और ग्राफिकल भी आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। जो जो काम हम जो है ना यहाँ पे टर्मिनल के अंदर करेंगे कमांड लाइन पे, वही काम जो है ना आपको नज़र आता जाएगा कि ये साथ साथ काम हो रहा है इसके इसके अंदर ग्राफिकल के अंदर, ठीक है। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, और साथ में क्या करता हूँ कि टर्मिनल के साथ जो है ना अभी मेन जो मेरा होम पेज होम फोल्डर जो है वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मेरा यूज़र का फोल्डर जो है मेरे नाम से जोनीम नाम से वो जो है ना डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ साथ में, ठीक है, ताकि जो जो काम भी हो ना तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा, ठीक है। इसको अभी एक साइड पे लगा देते हैं, दूसरी साइड पे हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो जो जो काम हम टर्मिनल पे करेंगे वो काम आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास देखिए डेस्कटॉप पड़ा है होम के अंदर, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ फोल्डर पड़े हैं और दो चार फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनके ऊपर जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे उनको देखते जाए। इसके बाद हम अपने ना टर्मिनल के अंदर सबसे पहले कमांड लिखेंगे PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ये शो करेगी कि हम इस वक्त किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, वो आपको शो कर दिया उसने के होम और जोहेब के अंदर। अब जो दूसरी जो हमारे पास कमांड है वो है LS, ठीक है, लिस्ट दिखाती है कंटेंट्स की कि आप इस डायरेक्टरी की जिसके अंदर आप मौजूद हैं उस डायरेक्टरी के अंदर इस वक्त कौन कौन सी फाइल या फोल्डर मौजूद हैं। देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि हमारे जो जोहेब फोल्डर हैं इसके अंदर जो है ना कौन कौन सी डायरेक्टरीज या कौन कौन से फोल्डर मौजूद हैं। तो ये आपको साथ में नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं, ग्राफिकल में भी और इधर आपको साथ में कमांड लाइन में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगली कमांड है वो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी है, जो कि हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर लेके जाती है। तो चेंज डायरेक्टरी जो है कि टोटली ये सारा टर्मिनल ही केस सेंसिटिव है, तो हमें कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे हमने डाउनलोड लिखा फोल्डर तो डाउनलोड डी छोटा लिखा है, तो उसने कहा कोई फाइल ऐसी नहीं है, तो मैं दोबारा से वही डाउनलोड का फोल्डर नाम लिखूंगा, लेकिन अब डी मैंने बड़ा लिखा तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। तो अब देखे इसने मुझे जो है ना सिंपली जो हेप से उठा के कहाँ पर ले गया, डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर ले गया। अब LS कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि मैं इस वक्त डाउनलोड के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, और इसके अंदर जो है ना एक दो फोल्डर पड़े और एक फाइल पड़ी है। ये देखिए दो फोल्डर हैं और एक फाइल, दोनों के नाम यहाँ पे इधर कमांड लाइन में भी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही वाले जो है ना जिप फाइल है और दो फोल्डर हैं। जो फोल्डर हैं वो ब्लू में आ रहे हैं, जो फाइल है वो जो है ना रेड के अंदर आ रही है आपके पास। तो अब ऐसा करें कि अब हम जो है ना एक डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हैं जिसका नाम है डाउनलोड्स। अब डाउनलोड से हमने वापस जाना है, तो डाउनलोड से वापस जाने के लिए हमारे पास कमांड यूज़ होती है वो है CD, लेकिन उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दो डॉट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे। स्पेस लाजमी देनी है, अगर स्पेस नहीं देंगे तो फिर वो एरर देगा, CD स्पेस डॉट डबल डॉट जाए। अब मैं वापस दोबारा से जोहेब में आ गया, अब मैं डाउनलोड के अंदर नहीं रहा, डाउनलोड से वापस आ गया, ठीक है। क्लियर करके दोबारा से स्टार्ट किया, तो अब जो ना हमने देख लिया कि CD कैसे काम करती है, LS कैसे काम करती है, जेनिक डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं और डायरेक्टरी से बाहर कैसे आते हैं। जिन अंदर जाने के लिए हमारे पास CD है और वापस आने के लिए CD स्पेस डबल डॉट है। अब हमारे पास आगे देखें, अभी फिलहाल हम फिर दोबारा चेक करते हैं करंट डायरेक्टरी वो होम है, और उसके बाद LS से हमें पता चलेगा यहाँ पे हमारे पास जो मौजूदा फोल्डर हैं वो कौन कौन से हैं।
अब हम ऐसा करते हैं कि अब डाउनलोड के अंदर जाके ठीक है चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या पड़ा है डाउनलोड के अंदर। तो डाउनलोड खोलने के बाद हम ऐसा करेंगे, अब हम अपनी अगली कमांड की तरफ चलेंगे ठीक है। तो डाउनलोड फोल्डर को ओपन करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास हम डाउनलोड के अंदर पहुँच गए हैं ठीक है। और डाउनलोड के अंदर आपके पास अब देख सकते हैं दो फोल्डर एक फाइल पड़ी है। अब हम यहाँ पे एक कॉपी करते हैं, यहीं से इसी फोल्डर के अंदर से एक फाइल को पकड़ते हैं, जैसे कि wifi2.zip पड़ा है उसको पकड़ के यहीं पे कॉपी करते हैं। तो ये केस सेंसिटिव है और आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। पहले नंबर पर उस फाइल का नाम आएगा जिसको आपने कॉपी करना, और दूसरे नंबर पर वो नया नाम जो आपने उसका रखना है, कहीं भी लेके जाना वो बात की बात है। देखें ये एरर दे रहा है, तो मैंने फाइल का पूरा नाम नहीं लिखा है क्योंकि उसके मैंने एक्सटेंशन नहीं ऐड की। एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो ये काम करेगी। तो देखें wifi2.zip और जो मैं इसको नाम दे रहा हूँ wifi.3zip का, और इसी फोल्डर के अंदर मैं इसको कॉपी करवा रहा हूँ। तो देखिए ये लिखने के बाद जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप ग्राफिकल के अंदर देखें कि अब वहाँ पे एक नई फाइल जो है इसी wifi3 के नाम से फाइल बन गई है। तो अब हम क्या करते हैं इसी फाइल को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो है rm wifi3.zip। सिंपली rm कमांड किसी भी फाइल को जो है यहाँ से डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है ठीक है। तो rm जब हमने एंटर किया तो देखिए वहाँ पे हम जो हमने नई फाइल कॉपी करके बनाई थी wifi3 के नाम से, तो वो अब वहाँ से गायब हो गई है, रिमूव हो गई है, डिलीट हो गया है। तो अब अगला स्टेप जो हम वो देखते हैं कि अब हमारे पास अब देखते हैं कि हमारे पास मौजूद है यहाँ पे डाउनलोड के अंदर दो फोल्डर और एक फाइल ठीक है। तो अब हमने ऐसा करना है कि ये जो फाइल यहाँ पे पड़ी है wifi2.zip के नाम से, इसको हमने किसी खाली फोल्डर के अंदर लेके जाना है एम्प्टी के अंदर। तो मेरा म्यूज़िक जो है ना वो एम्प्टी पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से डाउनलोड के अंदर देखते हैं। डाउनलोड के अंदर मेरे पास जो है ना वही wifi2.zip फाइल पड़ी है, मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली जो है ना इस फोल्डर से म्यूज़िक के अंदर कॉपी करूँगा। और पीछे हमने किया है सेम फोल्डर के अंदर कॉपी, अब ये मैं एक फोल्डर के अंदर रहते हुए दूसरे फोल्डर के अंदर कॉपी करूँगा। तो देखें पहले फाइल का नाम जो कि हमने कॉपी करनी है जिसमें हम मौजूद हैं डाउनलोड, तो आगे दूसरे फोल्डर का नाम देंगे हम, पहले उसका पाथ देंगे, फिर वहाँ पर जहाँ पर हमने मतलब कॉपी करनी है फाइल वो पाथ देने के बाद हम उस फाइल का नाम रखेंगे जो भी हमने न्यू रखना है नाम, यही नाम भी रख सकते हैं और नया नाम भी रख सकते हैं, यानी कि wifi2.zip भी रख सकते हैं और इसके अलावा भी कोई रख सकते हैं, यानी कि 3 जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है। तो ये zip आ गया, आगे ये फाइल कॉपी हो गई। अब हम जाके चेक करते हैं हमारे म्यूज़िक के फोल्डर में क्या ये कॉपी हुई है। हाँ जी ये देख लें यहाँ पे अब कॉपी हो गई है। तो ये जो है ना आपके पास सारा इसका सिस्टम है काम करने का ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ डाउनलोड के अंदर और उसके बाद म्यूज़िक फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब हम इस फाइल को रिमूव करने के लिए rm कमांड लगाएंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। आपके सामने rm और आगे फाइल का नाम, जो भी फाइल आपने रिमूव करनी हो उसका नाम आएगा यहाँ पे, जैसे कि wifi3.zip है, देखें आप एंटर करने से फाइल रिमूव हो गई, यहाँ से डिलीट हो गई है ठीक है। अब cd:// से हम वापस आ गए हैं, एक दफ़ा फिर जाके म्यूज़िक के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या आया, अभी कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी तो नहीं हुई। cd म्यूज़िक, अब म्यूज़िक फोल्डर के अंदर हम एंटर हो जाएंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ls की कोई चीज़ मौजूद है तो नहीं, यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, खाली पड़ा है फोल्डर ठीक है। अब हम दोबारा से म्यूज़िक के अंदर जाते हैं और अब हम नई कमांड देखेंगे mk डायरेक्ट्री, यानी कि न्यू फोल्डर बनाने की जो है कमांड mk डायरेक्ट्री mkdir, आगे वो जो फाइल फोल्डर जो आपने बनाना है उसका नाम लिखें। देखें जी मैंने mkdir लिखा, अगर टेस्ट नाम के एक फोल्डर रखा तो वो टेस्ट नाम से वहाँ पे म्यूज़िक के अंदर एक फोल्डर बन गया। अब इसको रिमूव करना होगा तो हमारे पास सिंपल rmdir है, तो रिमूव डायरेक्टरी टेस्ट ये जी देखें यहाँ से रिमूव हो गया उसी तरह ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर हम फर्ज करें हमारे पास फोल्डर के अंदर कोई पहले से फाइल्स मौजूद हों तो फिर हम उनको उसको रिमूव नहीं कर सकते इस कमांड से, उसके लिए हमें जो ना अलग से एक कमांड लगानी पड़ेगी। फिलहाल हम देखते हैं कि अब हमने पीछे अभी देखा है कि हम किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है पहले से, जैसे कि म्यूज़िक के अंदर वहाँ पे हमने एक नया फोल्डर बना लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक फोल्डर से बाहर रहते हुए उस किसी दूसरे फोल्डर के अंदर जो है ना कोई भी फोल्डर नया फोल्डर बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें mkdir यूज़ करनी है, लेकिन उसके लिए हमें पाथ देना पड़ेगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, mkdir ही काम करेगी, लेकिन इसके लिए हमें पाथ देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा होम जो है उसके बाद होम के अंदर जो है नाम का जो फोल्डर उसके अंदर मेरे पास म्यूज़िक पड़ा, म्यूज़िक फोल्डर पड़ा, म्यूज़िक फोल्डर अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम रख दिया मैंने टेस्ट बाहर रहते हुए ठीक है। देखिए जी मैं एंटर करूँगा तो वो दोबारा से फिर नया
फोल्डर बन गया। अब ये मैंने क्या कैसे काम किया, बाहर रहते हुए म्यूज़िक के अंदर नहीं गया, बाहर से ही काम किया। अब मैं रिमूव करता हूँ सेम इसी चीज़ यही पाथ लिख के, ठीक है, यही पाथ दोबारा लिखूँगा रिमूव डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, RMDIR और फिर आगे वही पूरा पाथ। हम जैसे कि इससे हम किसी भी फोल्डर से बाहर रहते हुए उसके अंदर वो की फाइल्स और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं हमें, लेकिन उसका स्पेसिफिक पाथ और पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो है ना, आपने टोटल जो स्पेलिंग्स हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ख्याल रखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव जो है, टोटली केस सेंसिटिव काम हो रहा है यहाँ पे। देखिए मैंने बाहर रहते हुए पाथ दे के टेस्ट को ना डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से फिर म्यूज़िक के अंदर जाते हैं, ठीक है, और एक नई डायरेक्टरी बना के अब उसका नया अलग तरीके से जो ना काम का तरीका देखते हैं कैसे काम करता है। अब हम ऐसा करेंगे कि एक फोल्डर के अंदर एक फाइल रख लेंगे, जैसे कि म्यूज़िक के अंदर चले गए, यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी बना लीजिए, डायरेक्टरी का नाम फिर रखा टेस्ट, ओपन बन गई। अब इस डायरेक्टरी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कोई फाइल पुट कर देते हैं। अब ये एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है, अब ये एम्प्टी नहीं होगी, पहले एम्प्टी थी तो इजीली डिलीट हो जाती थी, रिमूव हो जाती थी, लेकिन अब ये एम्प्टी नहीं रहेगी। अब ऐसा करते हैं कहीं से ना दूसरी फाइल उठा के, चलो जी हम ऐसा करते हैं वही जिप फाइल या कोई और फाइल उठा के, जिप उठा लेते हैं, जिप को कॉपी करके, ठीक है, और वहाँ पे जाके उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब जो हम ना cp कमांड लगाएंगे, cp कमांड लगा के जो है ना ये फाइल जो कि डाउनलोड के अंदर पड़ी हुई है इसको कॉपी कर देंगे हम म्यूज़िक के अंदर, और वो भी बिल्कुल बाहर रहते हुए, किसी फोल्डर के अंदर एंटर भी नहीं होना, बाहर रहते हुए। देखिए cp, अब मैं पूरा पाथ दूंगा इस फाइल का, वाईफाई 2 zip का जो कि मैंने कॉपी करनी है, पहले उसका पाथ और जहाँ पे कॉपी करनी है वो बाद में आएगा, ठीक है, पहले जिसको कॉपी करना उसका नाम आता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पाथ देंगे क्योंकि हम फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं, हम बाहर पड़े बैठे हैं, ठीक है, होम में। तो होम ज़ुरेब और डाउनलोड के अंदर मेरे पास एक फाइल पड़ी है जी, जिसका नाम है wifi2.zip। अब मैंने इसको कॉपी करना है, कहाँ पे स्पेस दें, कहाँ पे जी, अब मैं दोबारा पाथ दूंगा होम ज़ुरेब अब हम डाउनलोड के बजाय किस में इसको फेंकेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे म्यूज़िक के अंदर, ठीक है, म्यूज़िक, और उसके बाद वहाँ पे इसका नाम क्या रखना है वो हम यहाँ पे नाम भी मेंशन करेंगे, ठीक है, विद एक्सटेंशन wifi3.zip के नाम से मैंने इसको वहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। देखें जी एंटर किया तो ये कॉपी हो गई है। अब हम जाके चेक कर लेते हैं म्यूज़िक के अंदर, लें जी देखें वो मेरे पास wifi3.zip पर कॉपी हो गई। अब मैं इसको उठा के वैसे टेस्ट के अंदर फेंक देता हूँ। अब ये फाइल जो है ना टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। फाइल को हम टेस्ट के अंदर फेंक के फिर उसको रिमूव करके चेक करेंगे कि वर्क करता है या नहीं करता। अभी तक हमने रिमूव की दो कमांड देखी, RMDIR यानी कि फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, और एक है RM यानी कि फाइल को रिमूव करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, CD म्यूज़िक के अंदर जाते हैं, तो उसी म्यूज़िक के अंदर चले गए, ठीक है। यहाँ पे हम जो wifi3 की फाइल थी ना वो टेस्ट के अंदर फेंक देते। अब टेस्ट जो फाइल है फोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है, टेस्ट फोल्डर एम्प्टी नहीं है। टेस्ट के अंदर क्या पड़ा जी, टेस्ट के अंदर फिलहाल हमारे पास अब वो zip नाम की फाइल पड़ी है। अब हम इसको रिमूव करके चेक करते हैं कि क्या ये टेस्ट रिमूव होती है, RMDIR और स्पेस टेस्ट, ठीक है। तो देखें ये इससे रिमूव नहीं हुई, उसने क्या कहा जी, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ये एरर आ गया। अब हम एक अलग से कमांड RM-R करके जो कमांड है ये इस्तेमाल करेंगे टेस्ट के लिए, ये क्या है फोर्सफुली इसको रिमूव कर देगी। अब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमारे पास कमांड है क्लियर कमांड, सिंपल। तो क्लियर एंटर करने से हमारी स्क्रीन बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद हम एक और चीज़ पे बात करते हैं, मैन कमांड। मैन कमांड क्या करती है कि किसी भी कमांड के बारे में हमने जो है ना इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन देती है हमें। जैसे कि मैंने एंटर किया था मैन ls, तो उसने ls के रिलेटेड टोटल जो है ना इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दी। मैन जो हम एंटर करते हैं जी, फर्ज करें cd, ठीक है, तो फिर चेक करते हैं cd। देखिए cd के बारे में इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाज़ अवकात जब हम काम कर रहे होते हैं टर्मिनल के अंदर तो हमारे पास कुछ फाइल या पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो रहे होते, तो वो सिंपल मोड में इंस्टॉल नहीं होते, उनके लिए हमें जो है ना रूट मोड में जाना पड़ता है। रूट मोड जाने के लिए हमारे पास कमांड है sudo su, और sudo su एंटर करने के बाद जो है ना आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, वही लॉगिन पासवर्ड। तो जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो असल में एंटर हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं होगा कि पासवर्ड आपने एंटर किया या नहीं। मैंने गलत दो दफ़ा पासवर्ड एंटर किया तो वहाँ पे उसने इसको एक्सेप्ट,
तो मैंने तीसरी दफ़े पासवर्ड गलत एंटर किया और मेरे पास उसने बता दिया कि आपके पास 3 अटैम्प्ट थी, 3 करेक्ट पासवर्ड आपने एंटर कर दिया। अब मैं दोबारा से सुडो लगा के अब इस डायरेक्टरी जाने की कोशिश करता हूँ और सही पासवर्ड लगाऊंगा इस दफ़ा। सुडो सू, अब देखिए मुझसे पासवर्ड मांग रहा लॉगिन, अब मैं पासवर्ड एंटर कर दिया है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। देखिए अब मैं किस मोड में आ गया, रूट मोड में। वहाँ पे सिंपल था मोड, ये आ गया जी रूट मोड। रूट मोड के अंदर अब तमाम कमांड वैसे ही काम करेंगे जैसे पीछे काम करती थी। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि अब वो पैकेजेस जो आप नॉर्मली इंस्टॉल नहीं कर सकते वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।